أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم my dear students hope you are all here and hearty over there you are doing well with your studies and you are getting along with your studies well and wishing you all the best let's get started with the comprehension part of your chapter number 8 the erase to remember sorry chapter number 7 is The first, you have been asked some questions. The question number one is, how do you know that Owens worked hard to participate in the Olympics? How do you know? किसे पता चला आपको? तो do you know? Tense का आपको पता चल रहा होगा. We know. Sorry, we knew. हमने पास में लिखा है. Worked hard. We knew that. हम इसको जानते हैं. ठीक है. अब इसको present में लिखना. We know that Owens worked hard. अब इसमें इसको know लिख देना आप. न्यू की जगह पे गलती हो गई है वी नो हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं फैक्ट है तो प्रेजेंट में लिखा है दैट ओवेंस वर्क इट हार्ड तो पास कैसे हो गया वो बाद में इंशाल्लाह कभी समझा देंगे वर्क इट हार्ड उसने सख्त मेहनत किया टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स ठीक है बिकॉज ही ग्रू अप इन पॉवर्टी वो गुर्बत में परवरिश पाया उसने ही हैड टू प्रैक्टिस इन बिटवीन क्लासेस एंड जॉब्स उसको प्रैक्टिस करना पड़ा हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा करना पड़ता था या करना पड़ा होगा इस तरह से तीन सेंसेस में यूज़ होते हैं तो दो करना पड़ा या करना पड़ता था यानी अब ये याद रखना ही हैड टू प्रैक्टिस उसको प्रैक्टिस करना पड़ा इन बिटवीन क्लासेस एंड जॉब्स ठीक है जो क्लास भी लेता जॉब भी करता था ही पेड फीस उसने फीस अदा किया सपोर्टेड हिज फैमिली फैमिली को सपोर्ट किया एंड ट्रेंड हार्ड और ख़ुद को बहुत सख्त ट्रेनिंग किया टू मेक हिज ड्रीम्स कम ट्रू ताकि उसके ख्वाब जो हैं वो सच्चे हो जाएँ ये हो गया Now the second question you have been asked it, we are going with dealing with the comprehension A part. Answer the question briefly. Now in second question you have been asked it, what is the master race? ठीक है अब ये master race क्या है although there is no such idea of master race or lower race in Islam. We are not supposed to get polarize it on the basis of race, religion or something. As I have already quoted you in your while we were reading the chapter that the Holy Kaaba the black cube the Holy Kaaba itself is the symbol of unity and the belongingness to one and only Almighty so how what is the master race here in this chapter the Nazis thought the Germans were superior to all other people in the world तो जर्मन से ऐसे थे जो खुद को बहुत आला समझते हैं दूसरों से दे था उन्होंने सोचा दैट दे बिलोंग टू द मास्टर रेस अब मास्टर रेस के बाद हमने डेश यूज़ किया ताकि आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए यूज़ करते हैं मास्टर रेस क्या है ए रेस दैट इज मैन टू कंक्वर द वर्ल्ड ऐसा नस्ल है जो सारी दुनिया को फतह करेगा एंड रूल और रूल करेगा ठीक है कंक्वर यानी फतह करना द वर्ल्ड एंड रूल ऑल ओवर ओवर ऑल अदर्स बाकी सब पे हुकूमत करेगा एंड थर्ड क्वेश्चन यू हाउ वेयर द ज्यूज एंड ब्लैक्स वेयर treated by the Nazi party why ठीक है अब देखो the Jews and blacks were treated by cruelly या badly लिख सकते हो and unfairly वही मतलब होता है cruelly ज़ालिमाना तौर पर और unfairly यानी बहुत ही बुरी तरह से treat करते थे by the Nazis एक टू पैसिव हो गया बाद में आपको ग्रामर में है इंशाल्लाह सीख लेंगे उसमें भी this was because अब इसमें लिखना why लिखा था तो this was because they considered them less than humans या आपने पढ़ लिया था कि वो तो उसको इंसानों से भी बदतर समझते थे जबकि हमारे पास वी हैव ट्रेडिशंस हैं इन आई थिंक इट वॉज अबाउट द प्रॉफिट मोसेस और द प्रॉफिट ईसा द जीसस क्राइस्ट दैट वन डे वन ऑफ देम वाज आस्क्ड बाय द ऑलमाइटी टू ब्रिंग समवन हु इज लेस देन हिम एंड वन ऑफ द प्रॉफिट्स वेंट आउट टू सर्च समबडी हु इज लुक्स लाइक लेसर देन हिम एंड ही फाउंड अ डॉग प्लेग्ड बाय सम डिजीज एंड हु वाज ऑलमोस्ट लुक लाइक क्या कहते हैं उसको जैसे कि कोड़ी की बीमारी हो जाती है तो सारा जिस्म उखड़ जाता है ऐसा कुछ था उसको इंग्लिश में शायद लेप्रोसी सॉर्ट ऑफ बीमारी एक थी तो द प्रॉफिट टुक इट टू सम एक्सटेंट किसी हद तक लेके गए एंड देन ही लेफ्ट आउट द डॉग एंड वेंट आउट टू टॉक विद द ऑलमाइटी एंड द ऑलमाइटी आस्क्ड हिम हैव यू नॉट ब्रॉट एनीबडी हैवंट यू फाइंड एनीबडी एंड द ऑलमाइटी सेड इफ यू If you would have brought that dog or here, I would have ripped off the status of your prophet.
इतना बुरी हालत कर देता कि अगर उस कुत्ते को लेके आते तो मैं आपका पैगंबरी छीन लेता। तो कुत्ते की बात, इंसानों की बात कहाँ से हो गई। लेकिन इन जानवरों को देखो, लोग हैं दुनिया में बहुत सारे। दूरदर्शन लिटरेचर इसलिए पढ़ा जाता है कि ताकि आपका मेंटल हॉरिजन, यानी दिमाग का भी एक हॉरिजन होता है, उफक होता है, सोचने की भी एक हद होती है। जैसे कि उधर हमको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हॉरिजन आपने सबने पढ़ा होगा, हॉरिजन उधर दिख रहा है, मसलन पहाड़ और ज़मीन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचते हो तो वो हॉरिजन तो वो तो नहीं होता है, आगे और होता है, आगे और होता है। यानी इंसान की अकल की बुलंदी की कोई हद नहीं होती। लेकिन हम लोग इतने तंग नज़र हैं कि कोई ये वाला ग्रुप बना हुआ है, कोई वो ग्रुप बना है, कोई ये बना बैठा है, कोई वो बना, पता नहीं ये सब, जबकि बुरी बातें हैं, शैतानी शैतानी काम है। तो यहाँ पे समझ रहे थे वो तो इंसानों से बदतर समझ गुना है ये। दिस वॉज बिकॉज दे कंसिडर्ड देम लेस देन ह्यूमंस। तो ये वैल्यूज़ हो गए आपके लिए। उसके बाद यू हैव बिन आस्क द फोर्थ क्वेश्चन, डिड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट नाजीज आइडियाज। अब डिड है, देखो आपको क्वेश्चन ग्रामर सिखाया था, क्या एक्सेप्ट किया दूसरे दुनिया ने। तो हमें स्टोरी में से पता चला कि दे वर द रेस्ट ऑफ द पीपल वेर ऑलमोस्ट बॉयकॉटिंग, वो तो बॉयकॉट करने वाले थे, बट सम हाउ दे एक्सेप्टेड एंड 52 नेशंस टुक पार्ट इन द ओलंपिक्स कहा था। तो यहाँ पे क्या है, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस अप्रूव इट, पास में लिखा हमने, मना कर दिया था ऑफ द नाजीज पॉलिसीज एंड आइडियाज़। उनकी जो पॉलिसीज थी और आइडियाज़ थे उनका बिल्कुल इनकार कर रहे थे। दे ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू बॉयकॉट, उन्होंने तकरीबन बॉयकॉट करने का डिसाइड कर लिया था, ठीक है समझ जाओ। इसके बाद बॉयकॉट करने के द ओलंपिक्स बिकॉज ऑफ द हार्श या स्ट्रिक्ट या आप सिवियर भी लिख सकते हो नाजीज ट्रीटमेंट, जो नाजीज यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लिखना भूल गया सॉरी, तो नाजीज ट्रीटमेंट किन का, नाजीज का जो ट्रीटमेंट था ऑफ द ज्यूस, ज्यूस पे जो वो जुर्म कर रहे थे। अब देन इसको क्या कहते हैं, एंटी सेमिटिज़म भी कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी आपके हिस्ट्री में एंटी सेमिटिज़म कहते हैं ज्यूस के ख़िलाफ़ जो काम चलता है। अब आपको एंटी जायनिज्म भी सुना, आप जायनिज्म सुना होगा, जायनिस इसराइली, वो अलग है ज्यूस से। एंटी सेमिटिज्म अलग, एंटी जायनिज्म अलग है, क्योंकि जायनिस्ट कुछ और ही आइडिया है, ठीक है। आप उन दोनों का एक सा एक जैसा नहीं समझते। अब आगे यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ द हार्श नाजी ट्रीटमेंट, हार्श नाजी ट्रीटमेंट ऑफ द ज्यूस, इसलिए क्योंकि वो बुरी बर्ताव कर रहे थे। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, वाई वॉज ओवन सरप्राइज व्हेन ही अराइव्ड इन बर्लिन। अब देखो वाई वॉज, क्यों सरप्राइज हुआ था वो, हैरान क्यों हुआ था, व्हेन ही अराइव्ड इन द बर्लिन, इन बर्लिन, बर्लिन में जब वो पहुंचा तो ओवेंस वॉज एक्सपेक्टिंग इंसल्ट्स, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था उस वक्त, वॉज एक्सपेक्टिंग इंसल्ट्स एंड रूड बिहेवियर फ्रॉम द जर्मन्स बिकॉज ही वॉज ब्लैक, क्योंकि वो ब्लैक था इसलिए वो ऐसे सोच रहा था। बट ही वॉज सरप्राइज, क्योंकि वो सरप्राइज हो गया था व्हेन दे ट्रीटेड हिम लाइक ए हीरो, जब उसको एक बहुत ही अच्छा है, मतलब हीरो नॉट इन द सेंस, हीरो आपका वो जो हीरो दिखाते हैं फिल्में वगैरह में वो गठिया है, किसी काम का नहीं, बाहर में जाए, लेकिन मतलब एक अच्छे इंसान की तरह, अगर इसका सही आइडिया ले तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा है, लेकिन हकीकत में वो जो हीरोज़ आपको दिखाते हैं उसका कोई काम नहीं होता है, बाल टेढ़े करो, रंग लगाओ और कुछ नहीं। इसके अपोजिट में कुरान में उसवा है, आइडियल कहते हैं, ठीक है, और उसवा अहले बैत हैं। तो उसके बाद क्या है, हिम लाइक ए हीरो, ही वॉज चीयरफुली ग्रीटेड बाई फैंस, ये एक्टिव पेशू है, उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ग्रीट किया गया, यानी वेलकम किया है। अब उसके बाद ये कौन सा लाइन, इसमें पूछा है विच लाइन फ्रॉम द, कौन सा विच, देखो विच इसलिए भी यूज़ करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू पेंस इन माई हेड, विच वन डू यू लाइक, ओके आप कौन सा पसंद करते हो, तो इन चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। तो कौन सा लाइन है, विच लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट टेल्स यू, अब देखो कौन सा लाइन है जो आपको बताता है द टेक्स्ट, क्योंकि विच लाइन बोला, एक लाइन बोला तो टेक्स्ट टेल्स यू लिखा है, दैट ओवन्स हेल्प इट डिसप्रूव नाजीज आइडियाज, कि उसने डिसप्रूव कर दिया, उन्हें गलत साबित कर दिया कि जो ये जीव्स का आइडिया था कि ये वो मास्टर रेस थे। तो वो था लास्ट लाइन, नो वन वॉज गोइंग टू फॉरगेट द मैन हु मेड ए मॉकरी ऑफ द नाजीज मास्टर रेस। ओके होप यू गॉट इट एंड एन्जॉयड इट, ट्राई टू रीड इट एंड मेक श्योर यू राइट इट डाउन इन योर, जॉट इट डाउन इन योर कॉपीज एंड ट्राई टू Remember all these, try to write by yourself. We will continue it on in our next class. Till then, khuda hafiz, take care.